जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि हाइपरस्पर्मिया क्या होता है, हाइपरस्पर्मिया होने का कारण और लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइपरस्पर्मिया होता क्या है। तो देखिए बाबू, नाम है इसका हाइपर यानी तेज। जैसे आदमी का जब बीपी तेज हो जाता है तो लोग बोलते हैं अरे बीपी बड़ी हाई हो गई, उसी तरह से जब पुरुष के शरीर में ना जो वीर्य होता है जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उस बीमारी को बोला जाता है कि हाइपरस्पर्मिया। अब कैसे होता है समझिए। देखिए, हाइपरस्पर्मिया एक ऐसा स्थिति है जिसमें आदमी का सामान्य से क्या होता है, अधिक वीर्य क्या होता है बाबू, पैदा करता है। अब जब बहुत ज़्यादा वीर्य पैदा करेगा तब उसके शरीर के लिए क्या होता है, खराब होता है। जैसे आपका लिमिट है 2 रोटी खाइएगा, थोड़ा सा भात खाइएगा और पानी पीजिएगा। आप अपने घर पे 2 रोटी थोड़ा सा भात और खा के बैठना, तब तक खोना गई मीते, अरे तनी आ जाए तक घर में बड़ी मस्त मुर्गा बना बाप क्या, अरे बा बड़ा निक महकता, पेट खजवाते चले जाइएगा और वहाँ पे थे के 4 पीस दबा दीजिएगा। अब जब मुर्गा खाइएगा ना तो घरों खाना और उहो खाना, तो बहुत ज़्यादा जब खाना खा लीजिएगा तो उल्टी हो जाएगा। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हैं तब भी हमारे शरीर में क्या होता है, गड़बड़ होता है। उसी तरह से जब वीर्य के सीमन में बहुत ज़्यादा वीर्य होने लगता है तभी आदमी ने क्या होता है, खराबी होता है। समझ में क्या, यानी हाइपरस्पर्मिया का मतलब भी होता है जो पुरुष का वीर्य होता है ना ये सामान्य से ज़्यादा होता है। समझ में क्या, अगर ऐसा होता कहाँ है समझिए। देखिए बाबू, रसखलन के दौरान प्रोस्टेट ग्रंथ और सामाइनल बेसल क्या होता है, द्रव होता है। देखिए कितना होना चाहिए, देखिए द्रव का औसत सामान्य 2 से 5 मिली होना चाहिए। यानी जो नॉर्मल लोग होते हैं जो सेक्स करते हैं संबंध बनाते हैं अगर उनका 2 से 5 मिली होता है तब तो ठीक है, लेकिन 2.5 मिली से बढ़ के 5.5 मिली हो जाता है तो ज़्यादा हो जाता है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो आदमी के लिए समस्या होता है। जैसे मान लीजिए इसका औसत कितना होना चाहिए, 2.5 मिली, लेकिन जब आपको हाइपरस्पर्मिया का बीमारी हो जाएगा ना तो जो आपका सीमन होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाएगा तो 5 से 5 मिली हो जाएगा। तो जब इतना हो जाएगा तो 2.5 गुना 1.5 गुना बढ़ जाता है। अब जैसे बढ़ता है ना तो आदमी क्या होता है, हाइपरस्पर्मिया होता है। उसके विषय में थोड़ा जानिए। देखिए बाबू, है क्या है, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। अब स्पर्म कहाँ बनता है, देखिए टेस्टिस में। कहाँ बनता है, टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। देखिए टेस्टिस में खाली स्पर्म बनता है, सीमन नहीं बनता है। सीमन कहाँ से आता है, देखिए एक प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, एक सामाइनल बेसल। यानी देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड और सामाइनल बेसल ये सब क्या करते हैं बाबू, तो ये सब अपना द्रव क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, तरल पदार्थ को छोड़ते हैं। तो जो हम अखिया से देखते हैं जब हमारा वीर्य गिरता है ना तो हम देखते हैं तो सफ़ेद कलर का होता है, वो कमन देता है तो है ये सब देता है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड और सामाइनल बेसल। यानी देखिए है गोलका का प्रोस्टेट ग्लैंड और सामाइनल बेसल। यानी देखिए स्पर्म कहाँ बन रहा है, टेस्टिस में। तो जब स्पर्म टेस्टिस में बन जाएगा ना तब ही रास्ता से ऐसे जाता है, ऐसे क्या करेगा, ऐसे टपक टपक आता है। तो जब आता है ना ऐसे मीते होते हैं, कहते हैं अरे मीते आवाता है आवाता है, ये सब क्या करते हैं, हमने द्रव को छोड़ देते हैं। जैसे आप मान लीजिए जाइएगा कमाने के लिए, आप फोन ये मीते चल रहा है कमाने के लिए, घर से अकेले जाइएगा रास्ता में 4 दोस्तों से मिल जाता है। उसी तरह से ना शुक्राणु क्या होता है, अकेले होता है, लेकिन जब रास्ता में जाता है हाई प्रोस्टेट ग्लैंड और सामाइनल बेसल क्या होते हैं, मीते सब होते हैं। ये सब क्या करते हैं, अपने द्रव को छोड़ देते हैं। अब जैसे द्रव को छोड़ते हैं ना तो देखिए स्पर्म जो होता है, यानी स्पर्म जो होता है और वीर्य जो होता है एक में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जब मिल जाएंगे तो स्पर्म को हम नहीं देख पाते हैं लेकिन वीर्य को हम देखते हैं। समझ गया, लेकिन जब यही में मात्रा बढ़ जाता है ना तब आदमी में क्या होता है, हाइपरस्पर्मिया। आगे काहे बढ़ता है उसके कारण के विषय में समझते हैं। देखिए बाबू कारण क्या होता है, देखिए कोई सटीक कारण नहीं है या फिर काहे बढ़ता है, लेकिन कुछ कारण है समझ। देखिए संभोग के बीच में लंबे अंतराल होना, जैसे अब मान लीजिए कोई भी पुरुष है शादी हो गया, वो बेचारा 10 दिन 5 दिन अगर शारीरिक संबंध बनाता है लेकिन चला गया सऊदी कमाने के लिए, 4 साल ड्यूटी करने के लिए चला जाएगा ना, तो संभोग नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो उसके सेक्स का जो दूरी होगा बड़ा दिन का हो जाएगा, तो जिसके कारण इसमें क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ही हो सकता है। समझ में क्या, अगला देखिए सेक्स का दवा खाने से। अब देखिएगा कितना लोग ऐसे होते हैं ना जो संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो टैबलेट यानी दवाई खाते हैं, तो जो लोग दवा का सेवन करते हैं ना तो उनका क्या हो सकता है, वीर्य बहुत अधिक हो सकता है।
समय का अगला देखिए स्टेरॉयड का सेवन यानी सुई लगवा के कितना लोगों अपने आप को हार्मोन्स को उत्तेजित करने के लिए क्या करेगा इंजेक्शन लगवाएगा। तो जो लोग इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं उनका भी क्या हो सकता है वीर्य बढ़ सकता है। अगला देखिए अगला होता है प्रोस्टेट में संक्रमण। तो देखिए बाबू यह क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है तरल पदार्थ को द्रव को छोड़ रहा है लेकिन जब ही में संक्रमण हो जाएगा ना कहेगा अरे बाप बाप हमको कुछ लगता ना यार कितना हमको देना है देना रहेगा 2.5 मिली धड़ाक से दे देगा 3 ठो तब हयो कुछ बेसी दे देगा। अब जब बेसी दे देगा सब ना तो क्या हो जाएगा भैया वीर्य क्या होता है बढ़ जाता है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में जब संक्रमण हो जाएगा तब भी वीर्य बढ़ सकता है। तो ये सब क्या होते हैं वीर्य ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा समझ में आएगा। तो ये तो हो गया कारण। अब हम ही समझते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो लक्षण क्या दिखाई देगा। देखिए बाबू लक्षण क्या होता है देखिए ज़्यादा वीर्य गिरना जैसे आप हस्तमैथुन करते हैं चाहे सेक्स करते हैं तो आपका वीर्य अगर 2.5 मिली गिरता है तो जब बहुत ज़्यादा गिरेगा तो आप कहेगा अरे बाप बाप कुछ हो गई बका इतना ज़्यादा कभी गिरबा नहीं करता था अगर हमको हो का गया यानी वीर्य जब बहुत ज़्यादा गिरता है तब आपको क्या हो गया है हाइपर स्पर्मिया हो गया समझ में गया। अगला देखिए यौन इच्छा ज़्यादा होना जब देखिए जितना आपके अंदर स्पर्म बनेगा उतना ही ज़्यादा यौन आपका उत्तेजित होगा कि हमें क्या करना है संबंध बनाना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा यौन इच्छा होता है ना यानी आपको क्या हो रहा है हाइपर स्पर्मिया हो रहा है समझ में गया। अगला देखिए शुक्राणु का जो रंग होता है ये पीला सफ़ेद होता है यानी देखिए शुक्राणु तो अंदर होता है हम देख नहीं सकते हैं लेकिन जब आप कोई बीमारी हो जाएगा ना तो जब जांच करवाइएगा तो डॉक्टर बताएगा आपको हाइपर स्पर्मिया हो गया जो आपका शुक्राणु सब है उसका रंग पीला और सफ़ेद हो गया है तो आप क्या करेगा इलाज करवाइएगा समझ में गया। अगला लक्षण देखिए रसकलन के समय थोड़ा पीड़ा होना यानी दर्द होना। तो जब बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है वीर्य हो जाता है ना जैसे आपका वीर्य गिरेगा चाहे सेक्स के दौरान चाहे हस्तमैथुन के दौरान तो आपके शरीर में थोड़ा पीड़ा होगा तो आप कहेगा पहले कब ना होता रहा आप कहाँ भैल बा। तो जैसे आप डॉक्टर को दिखाइएगा तो डॉक्टर बोलेगा इसका मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बोलेगा कैसे बढ़ा है तो कहेगा अरे कुछ नहीं करते हैं कहेगा दवाई खाते हो सुई लगवाते हो आप कहेगा कुछ नहीं खाते हैं तो कहेगा ठीक है भैया लगता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो गया है संक्रमण हो गया। तो ये सब क्या होते हैं लक्षण होते हैं तो आपका जब वीर्य गिरेगा तो आपको थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर स्पर्मिया क्या होता है इसके होने का कारण और लक्षण क्या होता है समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।